तो हाय दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर को सेलेक्ट किया है वो कंपनी टॉप पर है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है हीरो इलेक्ट्रिक। इसे नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी कम है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में टॉप पर रहने वाली हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आई है। कंपनी ने सितंबर महीने के आंकड़ों की तुलना में अक्टूबर के महीने में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की है। हीरो इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर महीने में 8,348 यूनिट्स की बिक्री की, जो सितंबर के महीने की 8,018 यूनिट्स की बिक्री से थोड़ी ज्यादा है। तो हीरो इलेक्ट्रिक के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इसे कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी इसकी ग्रोथ में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने पिछले साल की तुलना में इस साल अक्टूबर के महीने में 2 गुना ज्यादा बिक्री की है। इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X की 8,213 यूनिट्स और अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिलीवरी के साथ एथर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 122 यूनिट्स की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। इसमें एथर कंपनी ने दिवाली पर बेंगलुरु में एक ही दिन में एथर 450X की 250 यूनिट्स की डिलीवरी की थी, पर एम्पेयर की तुलना में ये भी कम है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है एम्पेयर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी एम्पेयर अक्टूबर में तीसरी सबसे बड़ी ईवी निर्माता बन गई है। एम्पेयर ने पिछले महीने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की 9,173 यूनिट्स की बिक्री की। हीरो इलेक्ट्रिक और एथर की तुलना में देखा जाए तो इसकी बिक्री थोड़ी सी ज्यादा है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे है ओकिनावा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ओकिनावा की। राजस्थान की ईवी निर्माता कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने अक्टूबर में अपने सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़ों को छू लिया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसने पिछले महीने 17,531 यूनिट्स की बिक्री की, लेकिन इसकी तुलना ओला इलेक्ट्रिक से की जाए तो ये भी कम है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है ओला इलेक्ट्रिक। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट में अक्टूबर में ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 पर रही। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि उसने अपने S1, S1 Pro और S1 Air इलेक्ट्रिक स्कूटर की 20,000 यूनिट्स बेची है। कंपनी के मुताबिक अगस्त 2021 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के बाद से ये एक रिकॉर्ड है। हालांकि वाहन पोर्टल के हिसाब से ओला ने सिर्फ 15,065 यूनिट्स की बिक्री की है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।